सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल सैली। दोस्तों आज हम ड्रिल मशीन का एक जुगाड़ बनाने वाले हैं, जिसे बनाने के बाद आपका काम इजी एंड फास्ट हो जाएगा। इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना। आपका चैलेंज है, इस ढक्कन को मैंने वीडियो में कहाँ पर यूज किया है कमेंट करके बताइए। सही आंसर देने पर मैं आपकी कमेंट पिन करूंगा। लेट्स मेक इट। इस जुगाड़ को बनाने के लिए मैंने ले ली है एक रबर की पाइप, जो आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगी, एंड एक वाटर पंप लिया है जो मैंने ही कुछ टाइम पहले बनाया था। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी मैं इस मोटर के ऊपर पीवीसी पाइप से एक कवर बना रहा हूँ, जिससे पानी इसके अंदर ना जाए, एंड एक सर्कल पीस यहाँ पर लगा के इसे बंद कर देता हूँ। अब ये सबमर्सिबल पंप बन गया है, जो अंडर वाटर भी काम कर सकता है। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक का बोतल। पेन कटर की मदद से मैं ऊपर की साइड से इसे कट कर रहा हूँ। पूरा कट नहीं करना है, बस वाटर पंप चला जाए उतनी जगह कट करनी है। अब हम इस पंप पे पाइप लगा देते हैं एंड हॉट ग्लू से इसे कवर कर देते हैं, ताकि वाटर लीक ना हो। अब हम इस वाटर पंप को लेंगे एंड रख देंगे बोतल के अंदर। देन इस पाइप एंड वायर को ऊपर की साइड से हम निकाल देंगे एंड इस बोतल को वापस हम सुपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे। तो मैं फटाफट इसे चिपका देता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड यहाँ पर मैं प्लास्टिक की टेप भी लगा रहा हूँ, ताकि इसे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए और ये टूटे नहीं। आप हॉट ग्लू भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस। और ये बन गया है हमारा वाटर टैंक। अब हम लेंगे इसका ढक्कन एंड इसके ऊपर हम दो होल ड्रिल करेंगे। इस होल में से हम वायर एंड पाइप को निकाल देंगे एंड ढक्कन को कर देंगे बंद। अब हम ग्लू गन का यूज करके हॉट ग्लू से इस वायर एंड पाइप को ढक्कन के ऊपर चिपका देंगे, ताकि ये खींचकर निकल ना जाए। अब हम बड़ा वाला बॉटल कैप लेंगे और इसके ऊपर करेंगे मार्किंग। इस सर्कल वाले हिस्से को हमें कट करना है। कट करने के लिए मैं पेन कटर का यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने इसे कट कर लिया है, हमें इस सर्कल वाले हिस्से की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके साइड में बनाएंगे एक स्लॉट। मैं चाहता तो डायरेक्ट कट करके भी दिखा सकता था, पर मुझे पूरा प्रोसेस दिखाना था आपको कि मैं किस तरह से कट करता हूँ। इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मैंने स्लॉट बना दिया है। अब हम कुछ इस तरह के पिन को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। आप पीवीसी शीट में से भी ऐसा पीस कट कर सकते हैं एंड सुपर ग्लू से इसे हम यहाँ पर चिपका देंगे और इस रिंग को कर लेंगे कट। और भाई, सब्सक्राइब किया कि नहीं, कि मुफ्त में मुझे लूट रहे हो? फ्री है, अभी करो। बाय द वे, वी आर वेरी क्लोज टू 17,000 सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइब हो जाए। यहाँ पर मैंने दो 18650 लिथियम आयन बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और उसके ऊपर दो वायर सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम लेंगे एक पुश बटन, आपको ये मार्केट में 10 रुपीज में मिल जाएगा, और एक लंबा वायर। इस वायर को हम स्विच के साथ में सोल्डरिंग कर देंगे। मैंने सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम बैटरी के एक वायर को पंप के वायर के साथ में सोल्डरिंग कर देंगे। इसे मैं सील कर देता हूँ, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब हम स्विच के एक वायर को बैटरी के साथ और दूसरे वायर को पंप के साथ में कनेक्ट कर देंगे, और इसे मैं कवर कर देता हूँ, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो गया शॉर्ट सर्किट। मैंने मम्मी से बोल के कुछ इस तरह का बैग सिलवाया है। इसके अंदर रखेंगे हम बोतल दारू की बोतल। इस वाटर टैंक को हम इसके अंदर रख देंगे एंड वेलक्रो को मैं बंद कर देता हूँ, ताकि बोतल गिर ना जाए। एंड इस बैटरी को हम इस प्लास्टिक के बैग में रख देंगे। मैंने पाइप और वायर को बाहर की साइड में रखा है। इस तरह से लगा और देंगे। आप साले मैं बीच में आ गया। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे पहन लिया है, आप भी इस तरह से पहन लीजिएगा, वरना आप बैग का भी यूज कर सकते हो, बट ड्रिलिंग करते समय वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो मैंने कुछ इस तरह का बैग सिलवा दिया है, आप कुछ और जुगाड़ भी कर सकते हैं। मैं मिस्त्री की पेटी चुरा के आ गया हूँ, देखते अंदर सुनार का सामान निकलता है कि नहीं। अरे ये तो ड्रिल मशीन है, मेरी ही चोरी करके ले गया था शायद। दोस्तों इस पीस को हम ड्रिल मशीन के आगे की साइड में यहाँ पर लगा देंगे, जहाँ पर वर्टिकल क्रिप लगता है। अब इस रबर बैंड को हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ स्टाइल में।
अब हम इस पाइप को रबर मैट में से निकाल के ऊपर वाली पिन में लगा देंगे और इस तरह से लगाना कि पानी सीधा ड्रिल बिट के ऊपर पड़े। ये थोड़ा लूज है तो इसके ऊपर मैं रबर बैंड लगा देता हूँ ताकि ये एक जगह पे टिका रहे मेरी तरह। अब देख सकते हैं कि मैंने ड्रिल मशीन के ऊपर किस तरह से पाइप लगाई है एंड ध्यान रहे कि पाइप कहीं से भी लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ड्रिल मशीन डिस्क को डांस करेगा। अब हम इस पुश बटन के ऊपर से बोल्ट निकाल देंगे एंड इस बटन को यहाँ पर लगा देंगे जिस जगह पर लगता है ये वाला टूल, और इस बोल्ट को हम वापस फिट कर लेंगे। अब हम इजीली इस पुश बटन को पुश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। दीवार पर होल ड्रिल करते समय ड्रिल बिट काफ़ी गर्म हो जाती है तो हम बीच बीच में इसका यूज़ करके ड्रिल बिट को पानी की मदद से ठंडा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी एकदम ड्रिल बिट के ऊपर ही आ रहा है और मैंने एक सुई भी लगाई है जिससे पानी कम वेस्ट हो। इसकी मदद से मैंने दीवार को भी साफ कर दिया है। You can also use it as a hidden pichkari, water web shooter, lazy water drinking machine. तो दोस्तों अभी मैं इस वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है मैं क्या बना रहा हूँ कमेंट करके बताइए एंड जानने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।